गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको क्यूब ड्रॉ करना बताएंगे। सबसे पहले आप कॉपी में पेंसिल से इस तरह पॉइंट इंडिकेट करेंगे, 1, 2, 3, 4। आप स्केल की हेल्प से इस पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको भी इसी तरह ड्रॉ कर लेना है, स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर लेना है। आप इस बॉक्स के मिडिल में पॉइंट इस तरह इंडिकेट करेंगे और इस गैपिंग के रिकॉर्डिंग इधर भी, यहाँ पर भी आप एक पॉइंट को इंडिकेट करेंगे। थर्ड वाला पॉइंट यहाँ इंडिकेट करेंगे एंड फोर वाला पॉइंट आपको यहाँ पर इंडिकेट करना है। ये फोर पॉइंट हमने इंडिकेट कर दिया है। अब आपको स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर लेना है। आप भी इसी तरह ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको इस पॉइंट तक लाइन को ऐड कर देना है स्केल की हेल्प से, यहाँ पे भी नीचे इस पॉइंट से स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर देना है एंड इस पॉइंट तक इस तरह लाइन आपको ड्रॉ कर देना है। ये आपका क्यूब कंप्लीट हो गया है। इसी तरह आपको अपनी ड्राइंग कॉपी में ड्रॉ करना है। पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद आप ब्लैक स्केच या किसी भी कलर स्केच से आपको सिर्फ आउटलाइनिंग करना है, कलर नहीं करना है। ये हमने ब्लैक कलर स्केच से आउटलाइन कर दिया है। आपको भी आउटलाइन करके ड्राइंग को कंप्लीट करना है। थैंक यू।